चलिए रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आज से शुरू होंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं। 12वीं बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। बता दें सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 से 23 मार्च तक होगी। प्रदेश भर में 2475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,06,578 स्टूडेंट्स ने पंजीयन कराया है। बता दें 12वीं में 2,61,035 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। वहीं 10वीं में 3,45,543 छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। बता दें नकल पर रोक लगाने उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने निर्देश दिए हैं। बता दें विकासखंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे। आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। 2 मार्च से 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों में गलत साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया गया है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नकल पर रोकथाम के लिए रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और उड़न दस्ते की टीम का गठन किया गया है। अब इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता हेमंत लगातार लाइव बने हुए हैं। हेमंत, आज से छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर? जो सेंटर्स हैं वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? हाँ, देखिए बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। आज बात की जाए तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और ये 23 मार्च तक चलेगी, और इसके साथ साथ 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो कल से शुरू होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा की बात की जाए तो प्रदेश भर में 2475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,06,578 जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने पंजीयन कराया था। 12वीं में करीब 2,61,035 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगी, और इसके अलावा 10वीं की बात की जाए तो 10वीं में छात्र छात्राओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, 3,45,543 छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं, और पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली गई थी परीक्षा केंद्रों में। पहले से माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयारी कर रहा था, बच्चों की काउंसलिंग भी की गई थी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और उनके मन में जो प्रश्न है उनका निदान हो सके, उनका हल उनको मिल सके, तो इसके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। इसके साथ साथ परीक्षाएं अब आज से शुरू हो रही हैं, तो जो नकल प्रकरण है उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर जांच दल का ऐलान किया गया है, जांच गस्ता का ऐलान किया गया है, और अलग अलग इलाकों पर जाकर औचक निरीक्षण इन दस्ताओं के द्वारा किया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में जो नकल संबंधी मामले हैं उसको रोका जा सके। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं। जी बिल्कुल हेमंत, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले बच्चों की काउंसलिंग की गई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों को ये आश्वासन भी दिया है कि बिना डरे बोर्ड की परीक्षाएं दें। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जारी किया है। बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे बिना किसी डर के परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दे, और परिणाम क्या होगा इसके बारे में ना सोचें, जो तैयारी उन्होंने साल भर की है उसके अनुसार वो जाकर परीक्षा दिलाएं। और इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बच्चों से यही अपील की है कि आप बेहतर तरीके से बिना किसी डर के परीक्षाओं में सम्मिलित हों, और परिणाम जो भी आएगा उसके बाद वो आगे भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी आप बिना किसी डर के परीक्षा में शामिल हों और बेहतर परिणाम में आने की कोशिश आपके द्वारा की जानी चाहिए।
जी हेमंत, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है नकल पर रोकथाम लगाने के लिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।